बहुत गर्मी हो रही है, अगर चिलचिलाती गर्मी में आइसक्रीम मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आइसक्रीम की रेसिपी। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है जो बिल्कुल फुल फैट वाला है। अब मैं इसमें से 4 चम्मच दूध एक बाउल में निकाल लूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ जो 240 ml का है। अब मैं दूध में ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से बॉईल कर लूँगी। आइसक्रीम तो सबको ही पसंद होती है, अगर वो हाथ की बनी हुई घर की बनी हुई हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैंने ये तरबूज के बीज लिए हैं, आप चाहे तो इसकी जगह 4 से 5 छुहारे भी ले सकते हैं जिनको आप भिगो कर रख देंगे। तो उसको ग्राइंड करेंगे तो उसका पेस्ट भी ऐसा ही बनेगा, जिससे दूध की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब मैंने इसको मिक्सर जार में ऐड कर दिया है। जो मैंने 4 चम्मच भरकर दूध निकाला था मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसका अच्छा से एक स्मूथी पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा आइसक्रीम का, एकदम मलाईदार कुल्फी बनकर रेडी होगी। देखिए कितने अच्छे से पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, गाढ़ा सा। आप इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करें, मैं उम्मीद करती हूँ ये आइसक्रीम आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है, हम इसको हाई फ्लेम पर ही अच्छे से कुक करेंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अगर हम नहीं चलाएंगे तो जो दूध की मलाई होती है वो साइडों में लग जाएगी और वो फिर छूटेगी नहीं, इसलिए हम इसको चलाते हुए अच्छे से कुक कर लेंगे, जिससे एकदम से गाढ़ा होता चला आएगा। देखिए कितनी अच्छी मलाई आ रही है ऊपर, इससे एकदम मलाईदार कुल्फी बनकर हमारी रेडी होगी। आज हम बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी मलाईदार कुल्फी बनाकर रेडी करने वाले हैं और कुल्फी बनाने का तरीका भी एकदम सिंपल होगा, ना तो हम इसमें मिल्क पाउडर का यूज करेंगे और ना ही गुलाब एसेंस का। एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, एकदम बहुत बढ़िया और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम। बस हम इसमें हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, जिससे हमारी आइसक्रीम का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए जो कुल्फी का लिक्विड है वो कितना गाढ़ा हो गया है और ऊपर मलाई भी कितनी अच्छी आई है, और ये एकदम बनकर अच्छी लगेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, जिसको मैं ठंडे दूध में अच्छे से घोल लूँगी। इसको अच्छे से घोल लें ताकि इसमें लम्स ना डलें। कस्टर्ड पाउडर एकदम से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, वरना आप इसकी ऐसी कुल्फी बना सकते हैं, ये वैसे भी बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैं इस बैटर को एक बाउल में निकाल लूँगी। देखिए कुल्फी का बैटर हमारा कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथी। आप चाहें तो इसमें बादाम को कूट कर भी डाल सकते हैं। मैंने आइसक्रीम मोल्ड्स लिए हैं, अगर आपके पास दूसरे प्रकार के मोल्ड्स हैं तो आप उसमें भी जमा सकते हैं, या फिर आपके पास ये नहीं है तो आप इनको छोटी छोटी कटोरियों में भी जमा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब मैंने गोले का बारूदा लिया है, मैं जो सबसे नीचे 1/2 स्पून भर भर के डाल दूँगी, इससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप ऐसे ही जमा सकते हैं। अब मैं हर कोन में थोड़ा थोड़ा सा बैटर ऐड करूँगी, मैंने सब में आइसक्रीम बैटर ऐड कर दिया है। अब हम इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए कितनी अच्छी कुल्फी बनकर हमारी रेडी हुई है, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए इतनी अच्छी मलाईदार कुल्फी बनकर रेडी हुई है, मुझे तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगी, आप ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं हम ऐसी दूसरी वीडियो के साथ जो एकदम इजी और एकदम टेस्टी होगी, तब तक के लिए बाय।